टू माई चैनल कुंज ऑफिशियल आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज मैं अपने गांव, जी हाँ, जहाँ मेरा जन्मभूमि है, कुंज का नानी घर है, वो आप लोग को घुमाने वाली हूँ। तो आइए गांव की शुरुआत करते हैं दुआर से। जी हाँ, दूरा, मैथिली में दूरा बोला जाता है। आप लोग दरवाज़ा बोलते हैं, द्वार बोलते हैं, बहुत सारा, बहुत जगह बहुत बहुत अलग अलग तरह से लोग बोलते हैं। तो फिलहाल यहाँ देख सकते हो सारे लोग बैठे हुए हैं दरवाजे पे और बच्चे दोनों मस्ती कर रहे हैं। कुंज और कुंज का भाई लड्डू दोनों जो है मस्ती कर रहा है। आगे एक गाँव भी घुमाऊँगी। जी हाँ, मेरा गाँव कैसा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। हम अपने आम के सीजन में हम भाषल जाते हैं, टोल पर का छोरा बच्चे ले रहे हैं, हमारा धनिया बच्चे को डूबल वाला में पानी नहीं छे, डूबे वाला पानी नहीं सब पास। आप बूढ़े नहीं ना घूमने आते? अरे जी कौन और बूढ़े होता ये आओ पीछे जाओ ना, इतनी स्पीड चल रही है। ये पानी के अंदर ही की लगे मशीन कथि मशीन पटावे है। ए वो मशीन नहीं छे, वो बियर छे। बियर छे? हां, वो बस दो या दुर्गा जी की मूर्ति। अच्छा हां, वो है दुर्गा सरस्वती जी की मूर्ति। हमरा लगे टिकट ना मशीन जत नहीं नहीं मूर्ति छे। तनी धारो के दी हैन बुआ गे मम्मी। और ये जो है ये है कमला नदी। जी हाँ, मिथिलांचल में कमला नदी बहुत फेमस है और अगर आप मिथिलांचल से हैं तो आप लोग को जरूर ये बात पता होगी और आप लोग ये नदी के बारे में जानते हैं। मैं जाएंगे ले थोड़ा बेटा फोटो खींचते इधर देखो। कमला नदी में आपका स्वागत है। चप्पल गेले चप्पल गेले चप्पल गेले काला काला फोटो आबि रहल छ। अहाँ सब गोटा के हमर ई ब्लॉग केहन लगल कमेंट्स करके जरूर बताएब। और फिलहाल हम सब एत गाँव में मस्ती करै छी अपना पूरा परिवार के साथ। तो अहूँ सब अपन गाँव के ब्लॉग जरूर हमरा सब के साथ शेयर करब। और अब मैं अपने गांव का मंदिर दिखाने वाली हूँ। जी हाँ, नहा धो के कमला नदी का दर्शन भी करवाई आज के ब्लॉग में और अब मैं अपने मंदिर, जी हाँ, गांव के मंदिर का दर्शन करवा रही हूँ। तो ये मेरे गांव का मंदिर है, ये बाहर का व्यू आप लोग को मैं अभी दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊँगी अंदर का। जी हाँ, इस मंदिर से एक स्टोरी है जो कि मुझसे रिलेटेड है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग में इंतज़ार कीजिए, मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी आज के ब्लॉग में कि वो कौन सी स्टोरी है जो कि मुझसे रिलेटेड है। तो फिलहाल बने रहिए और देखिए हम लोग पूजा कैसे करते हैं। देवी जी को प्रणाम कर लीजिए आप लोग। जय तू दुन तू भी जो माँ इधर फोटो खींच। घंटी बजा दिए घंटी। फोटो क्लिक कर लो सी बात है। प्रणाम कर लो। किसको प्रणाम किया? दोनों हाथ नीचे करो, दोनों हाथ ऐसे करो। हाँ चलो ऐसे करो। जय माता दी। ओके पकड़ो हम कभी पढ़ना ये क्या भाई।
कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये गांव का मंदिर? फिलहाल यहाँ देख सकते हो हम लोग का पूजा हो गया है और हम लोग मंदिर से बाहर निकल गए हैं। और ये मेरा भाई जो है वो मेरा भतीजा जी है, मेरा भतीजा दर्शु को वो कैसे पकड़ के वो चल के आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है वीडियो में। और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं फैमिली फ़ोटो, सारे लोग प्रसाद ग्रहण कर लिए हैं और बैठे हुए हैं फैमिली फ़ोटो के लिए। तो मैं सोची क्यों ना वीडियो बना लूँ। यहाँ पर कुंज को देख सकते हो, कुंज और ओम कैसे खेल रहा है मंदिर के बाहर रोड सड़क पर। और यहाँ पे लड्डू भी आ गया, लड्डू उठा रहा है कुंज को, लेकिन वो उठना नहीं चाहता है, उसको मस्ती एनी टाइम चाहिए तो चाहिए। और यहाँ दोनों भाई को, यहाँ पे सारे लोग हम लोग बैठे हुए हैं। जी हाँ, ये एक फुल मेमोरी है जो कि लाइफ टाइम के लिए मेरे चैनल पे रहेगा। और सारे लोग जो हैं वो बहुत ही अच्छा लग रहा था फैमिली के साथ, और गांव की तो बात ही अलग होती है। और फाइनली मैं आप लोग को बता दूं, मैं जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं 3 दिन की थी तो इस मंदिर में आई थी। जी हाँ, ये बाढ़ का इलाका है मिथिलांचल में, और यहाँ पे पक्का का एक ही था मंदिर, ही पक्का का था, तो इसी में हम लोग आए थे। फिलहाल ये मेरे गांव का मेन गेट है मंदिर का। तो फिलहाल हम लोग पूजा करके अब बाहर निकल रहे हैं। और ये कुंज जो है वो अपने पापा की गोदी में, लड्डू देखिए चल के आ रहा है, जी हाँ प्रणव इसका नाम है। और फिलहाल हम लोग यहाँ पे फाइनली एक वीडियो इन कर दिए ब्लॉग को, आज के ब्लॉग को यहीं पे इन करते हैं। और कैसा लगा हमारा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।